दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक कानूनी जानकारी लेकर। बहुत से लोगों को अभी इस मामले में जानकारी नहीं होती है कि किन मामलों में लिखित प्रवाद न्यायालय में दाखिल किया जाता है अथवा 156(3) CRPC का मामला दाखिल किया जाता है। इसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले जिससे अपराधों का विभाजन होता है कि किन मामलों में प्रवाद दाखिल होगा, किन मामलों में 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, वो CRPC की अनुक्रमांक श्रेणी 1 में अपराधों का उल्लेख दिया गया है। धाराएं दी गई हैं कि कौन सी धाराएं संज्ञेय रहेंगी, कौन सी धाराएं असंज्ञेय रहेंगी। इस चीज की जानकारी के आधार पर तय किया जाता है कि किन मामलों में 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और किन मामलों में प्रवाद दाखिल किया जाएगा। जब मामला संज्ञेय प्रकृति का होता है तभी ही 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी असंज्ञेय मामले के लिए 156(3) CRPC का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रवाद, चाहे मामला संज्ञेय हो या असंज्ञेय हो, आप अपनी सुविधा अनुसार एक लिखित प्रवाद संज्ञेय अथवा असंज्ञेय दोनों तरीके की घटनाओं के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी ही और कानूनी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।